लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। कहते हैं कि माँ तो माँ ही होती है और अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी ही एक माँ ने लाचार होकर अपने बच्चों के लिए अपने अंग ही दांव पर लगा दिए। केरला में रहने वाली 44 साल की माँ अपने बच्चों के इलाज के लिए पैसे जमा करने में जब नाकाम रही तो उसने हार के अपने अंग बेचने का फैसला किया। शांति नाम की एक लाचार माँ ने रोड पे एक नाम के तख्ते पे लिखा कि माँ के अंग बेचने के लिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन अंगों की सूची में शांति का दिल भी शामिल था। कर्जों में डूबी तन्हा अकेली माँ हर जगह से हार के भी हार नहीं मानी। जब कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला तो माँ ने अपने ही अंग दांव पे लगा दिए अपने बच्चों के लिए। पिछले साल जुलाई में शांति के सबसे बड़े बेटे जिस पे घर की जिम्मेदारी थी उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसे ब्रेन सर्जरी करवानी पड़ी। शांति का दूसरा बेटा जन्म से ही मानसिक तौर पे बीमार है और उनकी बेटी भी एक एक्सीडेंट के चलते न्यूरो अलाइनमेंट की मरीज है। सिर्फ यही नहीं, शांति के तीसरे बेटे को नौकरी से कोविड के चलते निकाल दिया गया और उनका सबसे छोटा बच्चा अभी स्कूल का छात्र है। शांति अपने बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहती है और कुछ वक्त से स्थिति इतनी खराब है कि वो अपना किराया भी नहीं दे पाई। शांति ने न्यू इंडिया एक्सप्रेस को बताया कि अब उनके मुंह पे सारे मदद के दरवाजे बंद हो चुके हैं और उनके बच्चों को इलाज की सख्त जरूरत है। जब शांति अपने सबसे छोटी संतान के साथ गर्भवती थी तो उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था, तब से वो खुद ही सब संभाल रही हैं। वो एक ड्राइविंग टीचर बनके अपने घर का गुजारा कर रही थी, मगर जब से उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ी वो घर पे रह के उसका ख्याल रख रही हैं। जैसे ही शांति की ये खबर मीडिया में फैली उन्हें एक शेल्टर होम में पनाह दी गई और ये वादा भी किया गया कि उनके बच्चों का पूरा इलाज गवर्नमेंट करवाएगी। हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा ने ये भी आश्वासन दिया कि वो इलाज के खर्चे में पूरी सहायता करेंगे।